सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आदि के टैक्स को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप पा सके लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। हे दोस्तों, आप देख रहे हैं आदि के टैक और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि आप अपने जियो सिम पर या जियो ऐप्स पर दोस्तों 1 GB डाटा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी अपने प्लान की वैधता के साथ ही। तो दोस्तों, रोजाना आपको 1 GB डाटा मिलेगा। अगर वीडियो सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको चले जाना है अपनी माई जियो ऐप पर। अगर डाउनलोड नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा, अपडेट नहीं है तो अपडेट कर लीजिएगा। नहीं अगर आपके मोबाइल में जो है जियो ऐप है तो दोस्तों आपको जाना है डायरेक्टली जो है दोस्तों अपने एप्लीकेशन पर। जो एप्लीकेशन जहां आती हैं, इंस्टॉल होती हैं, वहां पर आपको बहुत सारी एप्लीकेशन देखने को मिलेंगी। देखने को मिलने के बाद आपको जाना है जियो ऐप पर। उस जियो ऐप पर आपको क्लिक कर देना है। माई जियो ऐप पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज। स्टोरेज में आपको जो है दोस्तों फोर्स स्टॉप, तो यहां पर फोर्स स्टॉप और क्लीन डाटा का ऑप्शन मिलेगा, तो वहां पर आपको क्लिक कर देना है। अब चलते हैं दोस्त। तो उसके बाद दोस्तों आपको अपने ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने पर दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से विंडोज आ जाएगी। तो विंडोज आने के बाद थोड़ी प्रोसेसिंग होगी दोस्तों। प्रोसेसिंग होने के बाद आपको इस प्रकार से जो है आपके सामने विंडोज आ जाएगी। तो दोस्तों आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, आप इसको परमिशन दे दीजिएगा, अलाउ कर दीजिएगा दोस्तों। अलाउ ये 5 बार आपसे परमिशन लेगा। तो दोस्तों आपको इसको परमिशन दे देनी है। परमिशन देने के बाद दोस्तों आपको इसको प्रोसेसिंग जो है नीचे की ओर स्लाइड करना है, इसमें प्रोसेस जो है करनी है। तो दोस्तों आपको नीचे एक दिखाई देगा माई बाउचर, माई बाउचर पर क्लिक करना है। माई बाउचर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से प्रोसेसिंग होने लग जाएगी। तो दोस्तों आपको यहां एक ऑप्शन दिखाई देगा माई बाउचर और R0 बैलेंस क्वान्टिटी 1, और देखो आपको पढ़ लीजिएगा, इस पर 1 GB डाटा आपको मिलेगा। तो आपको इसमें रेडियम पर क्लिक कर देना है। रेडियम पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। रेडियम पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर हम क्लिक कर देते हैं तो उसमें कुछ प्रोसेसिंग होने लग जाएगी। तो यहां आपको देखिए R0 बैलेंस पर 1 GB प्रति डे, और इसको आपको कंफर्म कर देना है। तो दोस्तों ऊपर रिचार्ज माई नंबर, तो इस पर आपको कंफर्म करके ये देखिए आप ऑन कॉन्ग्रेचुलेशन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो इसको आपको ओके कर देना है। आप इसको पढ़ लीजिएगा और आपके नंबर पर ये रिचार्ज एक्टिवेट हो चुका है। देखिए जियो नंबर लिखने पर और हैज बीन रिचार्ज सक्सेसफुली, तो इस प्रकार से आपके नंबर पर लिखा हुआ आ जाएगा और तुरंत ही आपको एक मैसेज प्राप्त होगा। तो उस मैसेज में भी आपको पता चल जाएगा कि आपके नंबर पर 1 GB डाटा वाला रिचार्ज जो है दोस्तों एक्टिवेट हो चुका है। अब ये दोस्तों हमें अपनी MB चेक करनी है कि हमारा रिचार्ज एक्टिवेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपको माई प्लान पर क्लिक कर देना है। माई प्लान पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार देख सकते हैं आप ऊपर, यहाँ पर एक ये ऊपर इसमें यहाँ ऐड ऑन पर लिखा हुआ है 1 GB। तो जो दोस्तों आपका प्लान है उसी प्लान के अनुसार इसकी भी वैलिडिटी होगी। अगर आपका 15 दिन शेष हैं, जितने भी दिनों का आपका प्लान है दोस्तों, उसी प्रकार से आपकी वैलिडिटी आप मिलेगी। तो अब आपको दिखा देते हैं कि रिचार्ज एक्टिवेट हुआ है कि नहीं। अब मैसेज पर आ चुके हैं हम, और ये देखिए दोस्तों हैव ये रिक्वेस्ट हुई थी हमारे द्वारा जो हमने की थी, और ये देखिए दोस्तों सक्सेसफुली रिचार्ज हो चुका है। इतने नंबर इस नंबर पर आपके पास SMS आ जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी है आपको? अगर दोस्तों वीडियो सही लगी हो और हेल्पफुल रही हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों।